गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरे आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और ये जो इस टाइम आप ये जो क्लिप देख रहे हैं, ये मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि ये मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। ये रियली में एक रैंडम क्लिप है जो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो मेरे उस दिन की मनोस्थिति को बता रही थी। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा ही था कि मैं जिपमर अपने कुछ टेस्ट करवाने के लिए गई थी, और उनके पीछे क्या रीज़न था क्या नहीं था वो तो आप लोगों को मैं बाद में आगे वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। लेकिन इस टाइम ये है कि मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक और घबराई हुई और बहुत ही अजीब सी हालत में थी। और ये जब रैंडम वीडियो रिकॉर्ड हुई तो मुझे पता चला कि एक्चुअली में मैं ऑफ़ द स्क्रीन क्या बिहेव करती हूँ, कितनी पैनिक होती हूँ और मैं किस किस परिस्थितियों से गुजर रही हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है ऑन द बैक ऑफ कैमरा, या कह लीजिए कि बैक ऑफ सोशल लाइफ, क्योंकि बाहर मैं सब लोगों के सामने, चाहे वो कैमरा हो चाहे वो ऑफ कैमरा भी, बाहर किसी से भी, इवन अपने घर के मेंबर से भी, मैं बहुत अच्छा सा बिहेव कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि मैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट दिखूं और एकदम अच्छा बिहेव करूं। लेकिन ये ऑफ कैमरा मेरा इतना अजीब बिहेवियर, और ये मुझे जब पता लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, कि ये मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, और तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई मेरी बेटी मुझे ठीक कह रही थी कि मम्मा कुछ ना कुछ गड़बड़ है और आप अपने टेस्ट करवाओ। और टेस्ट की रिपोर्ट तो जब आती तब आती, लेकिन ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर ने मुझे खुद ही बहुत ज़्यादा चौंका दिया था कि मैं क्यों इतनी ड्यूअल पर्सनैलिटी टाइप बिहेवियर कर रही हूँ। तो ये सब कुछ क्या हो रहा था मेरे साथ मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि जब आप किसी ग्रीफ में होते हो तो आपको लगता है कि आप उस ग्रीफ में हो, जबकि एक्चुअली में उस ग्रीफ की वजह से आपके बहुत सारी और चीज़ें बाहर आपके सरफेस पे आ जाती हैं, और उनकी वजह से जो है वो आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हो, जबकि आपको लगता है कि आप ग्रीफ में हो और आपकी लाइफ से उस इम्पॉर्टेंट पर्सन के जाने की वजह से आपका ऐसा बिहेवियर हो गया है। और जैसे ही मेरी बेटी आई, उसने बोला कि मम्मा आपको पता है कि ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, क्या रिकॉर्ड कर रहे हो आप? और एकदम से उसके कहते ही जैसे मेरा ना बिहेवियर जादू की तरह चेंज हो गया। देखिए, आप खुद इसमें महसूस करेंगे, आप खुद नोटिस कीजिए जब ये आपके सामने ही क्लिप चल रही है। और जैसे ही मेरी बेटी ने आकर के मुझे ये बात बोली, और जैसे मेरे बिहेवियर में एकदम से चेंज, अब ये मेरी बेटी इस टाइम मुझे बोल रही है, और जैसे ही उसने बोला ये देखिए, तुरंत मैं एकदम से एक्टिव एंड तुरंत मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ कि ये देखिए आप। और इसी चीज़ की वजह से मैं एकदम से शॉक हुई, और फिर मैं अपना जो और मेरे रूटीन काम थे वो अपना करना शुरू हो गई, कि रिकॉर्डिंग करना शुरू हो गई। मेन रीज़न क्या था कि मैं अपने आप को बिज़ी रखना चाह रही थी। कुछ तो एनवायरनमेंट चेंज हुआ था, इसलिए शायद मैं अपने आप को खुश महसूस कर रही थी, जबकि एक्चुअल रीज़न कुछ और था कि मैं वाकई, मेरी मनोस्थिति जो है वो ठीक नहीं थी। और उसके पीछे रीज़न क्या था क्या नहीं था, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। लेकिन मैं अपने आप को हर संभव तरीके से बिज़ी रखने की कोशिश कर रही थी, और शायद डिनायल मोड में थी, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रही थी कि वाकई में मेरे साथ कुछ समस्या हो गई है। और मैं अपनी जो है वो रूटीन लाइफ को, कि मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी, मैं मतलब जिसे कहते हैं कि आप ओवर हर चीज़ में अपना हाथ डाल लेते हो ना, वो वाला काम। देखिए, अब मैं साथ की साथ ही इसमें हॉल वीडियोस भी शूट कर रही हूँ, अपने दूसरे चैनल के लिए भी काम कर रही हूँ, और मेरा एक और चैनल स्टार्ट करने की सोच रही थी कि उस चैनल में मैं औरों को मोटिवेट करना चाह रही थी कि हम जब किसी दुख में या किसी ग्रीफ में होते हैं तो उस चीज़ से बाहर कैसे निकले, जब कोई अपने हमें छोड़ के चले जाते हैं तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, और जबकि मैं खुद ही इस चीज़ से इतना जूझ रही थी। और शायद इसके पीछे ये रीज़न था कि मैं चाहती थी कि मैं और लोगों की मदद करूँ, दिल से मैं ये चाहती थी कि मैं, जो लोग मेरे जैसे
हालत से गुजर रहे हैं और उनको उनको कोई ना कोई एक ऐसा सहारा चाहिए होता है जहाँ पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, और मैं बस वो सहारा बनना चाह रही थी, इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं कुछ करूँ। लेकिन जब आप खुद ही हील नहीं है, आप दूसरों को हील कैसे कर पाएंगे? तो शायद इस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि मेरे उस चैनल पे ठीक से व्यूज़ नहीं आ रहे थे, या मैं उस चैनल को एक किस्म से आप कह लीजिए कि स्टार्ट ही नहीं कर पा रही थी। और फिर मैंने इंस्टाग्राम का वो भी बनाया, अकाउंट भी बनाया, चैनल बनाया एक लाइफ आफ्टर दैट करके, और उसमें भी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ। और इस बीच मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती चली गई कि मेरे लिए अपना रूटीन का काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया। वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में नज़र भी आएगा कैसे कैसे मैंने अपनी तबीयत को जो है वो संभाला, कैसे अपने आप को सुधारा। और आप भी अगर इस तरीके की किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो शायद मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ फ़ायदा हो, कुछ हल मिले। तो इसीलिए मुझे भी सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे। ये देखिए मैं अपने अलग अलग काम कर रही थी उस टाइम, तो अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रही थी। और हेलो एवरीवन, टैरो तो मेरी लाइफ में आया ही एक बहुत बड़े ग्रीव के बाद था। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि टैरो नाम की कोई चीज़ होती है। निकल कर आती है तो लाइफ और डेस्टिनी आपसे जो जो करवाती रहती है, कई बार आप बस करते चले जाते हो। और जो ये हीलिंग प्रोफेशन है, जो ये स्पिरिचुअलिज्म है, ये तो वाकई आपको एक ब्रेक थ्रू के बाद ही मिलता है। अब वो ब्रेक थ्रू कैसा है, कितना बड़ा है, वो डेस्टिनी ही तय करती है। और ये सब चीज़ें जो है वो ज़िंदगी में एक के बाद एक के बाद एक घटती चली गई, और मुझे खुद ही नहीं पता कब मैं क्या से क्या हो गई। और मैं पहले क्या थी वो आप मेरा जो मैं एक और चैनल आपको बताती हूँ, मेरा पिछला चैनल था मीना जरीना, वो उस हादसे से पहले तक की वीडियोस उसमें हैं सारी। और उस हादसे की वजह से ही मुझे वो चैनल जो है वो बीच में मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने उसको स्टार्ट करने की भी बहुत बार कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया, या यूं कह लीजिए कि मैं शायद उस हालत में नहीं थी। ये मैं अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए रिकॉर्ड कर रही थी, वही जो मैं आपको बता रही हूँ लाइफ आफ्टर दैट, जिसमें मैं चाहती थी कि लोगों को मोटिवेट करूँ। और क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मैं जो कुछ मैंने झेला है वो कोई और ना झेले, सिर्फ एक हेल्प मेरा मोटिवेशन करने का, लोगों को मोटिवेट करने का मकसद था। लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं जिसे ग्रीफ समझ रही हूँ वो एक्चुअली में डिप्रेशन था। तो अगर आप ये देखिए, ये फिर मैंने एक बेडशीट खरीदी थी और मैं उसके बारे में जो है वो वीडियो बना रही थी, क्योंकि वहाँ पर नया घर था, नया सेटअप करना था, और इस वजह से कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। या कभी मैंने पिलोज खरीदे, कभी बेडशीट खरीदी, और बस जो जो कुछ करती रही उसको एक जिसे कहते हैं ना कि यूँ ही रिकॉर्ड करती रही। वैसे भी मैंने आपको बताया कि मीना जरीना चैनल पे मैं हॉल वीडियो शेयर करती थी, तो हॉल वीडियोस जो हैं वो मैंने सोचा कि सामान भी हो जाएगा और साथ के साथ ये मेरी हॉल वीडियोस भी शूट हो जाएंगी। और ये मैं उस चैनल पर डालती भी रही उस टाइम, लेकिन सिर्फ वीडियो डाल देती थी बस। इससे ज़्यादा उस चैनल को क्या करूँ, कैसे ग्रो करूँ, कुछ दिमाग नहीं चल रहा था। क्योंकि हुआ क्या था कि जैसे ही मेरा वो चैनल मोनेटाइज हुआ था, वैसे ही मैं जो है वो मेरे साथ ये हादसा हो गया, और वो चैनल जो है वो फिर से एक जिसे कह लीजिए कि बर्फ़ में चला गया या ठंडे बस्ते में चला गया। और इस वजह से मैं उस चैनल पर जब दोबारा मैंने काम करने की सोची, तो उस चैनल को जो है वो उस चैनल को एक किस्म से कह लीजिए कि उस पर बिना काम किए हुए मुझे लगभग 2-2.5 साल हो चुके थे। तो सब कुछ ज़िंदगी आपके साथ क्या क्या करवाती है, कैसे कैसे करवाती है, कुछ नहीं पता। बस मेन बात ये होती है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से कैसे हैंडल करते हैं, और वो परिस्थितियों में आप रिएक्शन कैसा देते हैं, आप टाइम पर संभल पाते हैं या नहीं, और सबसे बड़ी बात होती है कि आपके अंदर संभल पाने का जज्बा है या नहीं। और विल पावर जिसे कहते हैं ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको कहीं से भी निकाल आती है। आज भगवान की दया से मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, और आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि फिर से अपनी ज़िंदगी को जो है वो नए सिरे से स्टार्ट कर सकूँ। लेकिन उस सब के लिए मुझे
एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा वो सपोर्ट सिस्टम बने और आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा ये चैनल अच्छे से ग्रो कर सके। और इसमें आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मेरी बहुत मदद हो जाएगी, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और अगर मैंने अपनी वीडियोस से किसी एक की भी लाइफ में कुछ ज़रा सा भी चेंज ले आई, तो मुझे लगेगा कि वाकई मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये देखिए, पता नहीं कैसी मनोस्थिति से, किस थकी हारी पोजीशन में मैं अपने उस दूसरे चैनल मीना ज़रीना के लिए वीडियोज़ रिकॉर्ड करती रहती थी, बस यूं ही कि अपने आप को बस बिज़ी रखना है। और क्योंकि मैं अपने जो मेरा घर था, उस घर से छोड़ करके मैं साउथ इंडिया, एक बिल्कुल नए कल्चर, नए प्लेस, नए एनवायरनमेंट में आई थी, तो थोड़ा सा जैसे जोश था कि हाँ, मैं कुछ करती हूँ, मैं दोबारा अपने चैनल को रिवाइव करती हूँ और अर्निंग के लिए अपना कुछ, जिसे कह लीजिए कि जुगाड़ ढूंढती हूँ, क्योंकि जॉब मैं कर नहीं पा रही थी। हालांकि मैं ट्रिपल मास्टर्स थी, लेकिन जॉब ना मुझे मिल रही थी और ना मैं कर पा रही थी, क्योंकि नया नया कोरोना जो है वो आकर के गया था। और टीचिंग प्रोफेशन में थी, तो इसलिए टीचिंग प्रोफेशन तो कोरोना के दौरान बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, ख़त्म हो गया था। जो एग्जिस्टिंग स्कूल थे वही मुश्किल से सर्वाइव कर रहे थे और वही अपने टीचर्स को जो है वो हाफ सैलरी दे रहे थे या 40% दे रहे थे, तो नया स्टाफ हायर करने की तो कोई बात ही नहीं बनती थी। और ऊपर से मैंने जॉब जब स्टार्ट की, तो उसको जॉब स्टार्ट करे को लगभग एक महीना ही हुआ था, तो मेरी बेटी ने बोला कि आप मेरे साथ चलोगे, और मैं मुझे वो जॉब जो है वो छोड़नी पड़ी। और बाद और मैं खुद भी उस जॉब को छोड़ना ही चाह रही थी, और इस चीज़ का एहसास मुझे बाद में हुआ जब मेरी रिपोर्ट्स आई, तो कि मैं क्यों फिज़िकली अपने आप को इतना वीक महसूस कर रही थी कि एक जॉब करने जाना ही मुझे इतना मुश्किल लग रहा था। और ये देखिए, ये मैंने कुछ बेडशीट्स मंगवाई थी हॉज एंड किंडर से और रेमंड से, और ये दोनों बेडशीट जो हैं वो मैं इनकी वीडियो शूट कर रही हूँ। और बस आप, बाकी मैं आपसे शेयर करूँगी अपने अगली आने वाले किसी और वीडियो में। अगर आपको मेरा ये एफ़र्ट पसंद आता है, मेरी लाइफ के स्ट्रगल से आप थोड़ा बहुत भी कुछ रेजोनेट करते हैं, या कुछ थोड़ा बहुत भी आपको कुछ ऐसा फील होता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरा चैनल ग्रो करे और मेरी स्टोरी से, मेरी लाइफ स्टोरी से किसी और तक ये पहुंचे जो वाकई ज़रूरतमंद है। तो ये बेडशीट जो है वो मैंने बिछा दी है, हालांकि इस बेडशीट का थ्रेड काउंट अच्छा नहीं था, सॉफ्ट नहीं थी, तो इसलिए ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, ये मैंने वापस कर दी थी। और दूसरी हॉज एंड किंडर की बेडशीट बहुत सॉफ्ट थी, बहुत अच्छा थ्रेड काउंट था, और हॉज एंड किंडर वाकई एक बहुत अच्छा ब्रांड है, उसकी बेडशीट्स मैं आज भी यूज़ कर रही हूँ और मुझे वाकई बहुत पसंद आ रही हैं। तो आप अगर लेना चाहते हैं इनकी बेडशीट्स, तो आप ले सकते हैं बिल्कुल आँख मूंद करके, और श्रिंक भी नहीं होती हैं धोने के बाद। ये देखिए, ये हॉज एंड किंडर की है और बहुत सुंदर प्रिंट और बहुत सुंदर डिज़ाइन हैं इनके। कल की कोचलिन, बाई चांस मैं आपको बताऊं कि पांडिचेरी जहां मैं रह रही हूं, वहीं पर औरविली करके एक प्लेस है, और वही कल की कोचलिन का जो है वो बर्थ प्लेस है, वो औरविली में ही पली बड़ी है, और वहीं पर जो है वो उसका बहुत बड़ा एक शोरूम भी है कल की कोचलिन करके, औरविली के अंदर भी है और पांडिचेरी में भी है। और ये एक और चुंबक की बेडशीट मैंने मंगाई थी, ये भी 100% प्योर कॉटन थी, अजियो से मैंने मंगाई थी, बट ये धोने के बाद बहुत श्रिंक हो गई थी। और अगर आप मेरी वीडियो, आपको मेरी पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और किसी और को अगर आपको लगता है जिसको मेरी लाइफ स्टोरी से मदद और हिम्मत मिल सकती है, तो उनके साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपका ये एफ़र्ट्स किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सके, और मुझे तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।